नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 28,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,109 लोगों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 28,564 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 के अब तक कुल मिलाकर 18,741 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 198 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के 39वें राज्यपाल रह चुके लालजी टंडन ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के 39वें राज्यपाल रह चुके लालजी टंडन ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। राज्यपाल के तौर पर लालजी टंडन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह नियमित करवाने पर जोर दिया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में ही बिहार में दीक्षांत समारोह में भारतीय परिधानों का चलन शुरू करवाया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही बिहार में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के 39वें राज्यपाल के रूप में लालजी टंडन ने 23 अगस्त 2018 को शपथ ली थी। बिहार के 18 प्राइवेट अस्पतालों में 290 बेड किए गए सुरक्षित। कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी पटना के 18 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए कुल मिलाकर 290 बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। इसके तहत अब राजधानी पटना में अरविंद हॉस्पिटल, मेडिकल मगध हॉस्पिटल, डॉक्टर विमल हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल मुरलीधर मेमोरियल हॉस्पिटल, अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, पारस हॉस्पिटल, क्यूरिस हॉस्पिटल, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, मिदवेल हॉस्पिटल, तारा हॉस्पिटल, गांधी मैदान, बुद्धा सेंटर के साथ ही निष्ठा हॉस्पिटल को कोविड-19 मरीजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके के लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपने मवेशियों और साथ ही अपने परिवार के साथ सामान बांधकर सुरक्षित जगह पर पलायन करने लगे हैं, जिसके बाद इस पानी के गोपालगंज पहुंचने के आसार भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले दियारा बेतिया को तत्काल गांव खाली करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को दिए 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। बिहार में कोविड-19 के बेकाबू बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को 10,000 रैपिड एंटीजन किट मुहैया करवाए हैं, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि केंद्रीय टीम के अवलोकन के बाद बिहार को जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार हर संभव मदद मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि बिहार को 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 3,739 बी टाइप सिलेंडर डिस्पैच किए जा चुके हैं। इससे पहले 2,661 बी और 3,688 डी टाइप सिलेंडर भेजे जा चुके हैं। अगले 3 दिन तक बिहार के कई जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार में मॉनसून जोर शोर से देखने को मिलेगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से लेकर उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र तक अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसके तहत मौसम विभाग ने साफ तौर पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और वैशाली में बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश के कारण संभावित जल जमाव को देखते हुए अधिकारियों छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया निर्देश। कोविड-19 के बढ़ते स्तर को देखते हुए जिन लोगों को भी होम क्वारंटाइन में रहने का सुझाव दिया गया था, उन लोगों को मुहैया करवाए जाने वाले उपचार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत होम क्वारंटाइन वालों को दवा की किट मुहैया करवाए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्देश के बाद अब बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जिलों के सभी डीएम को निर्देशानुसार उपचार कराने की नसीहत दी है। राजस्व विभाग में हो रहे तबादले की जांच में आई गड़बड़ी सामने। जून महीने के अंत में राजस्व विभाग के अंदर हुए तबादलों में गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद फिलहाल ट्रांसफर लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। राज्य में अंचलाधिकारी, भूमि सुधार, उपसमाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी समेत तकरीबन 400 अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई तरह की शिकायतें भी मिली थी, इसके बाद अब मुख्य सचिव ने पूरी फाइल देखी है। विभाग की तरफ से किए गए तबादलों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। मुख्य सचिव ने अपने रिव्यू में तकरीबन 150 अधिकारियों के तबादले में कार्यपालिका नियमावली के पालन नहीं होने की बात का आकलन किया है।
बिहार पुलिस कांस्टेबल पद पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार पुलिस कांस्टेबल ने 484 कांस्टेबल पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार पुलिस कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों पर 4 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी ने पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी जारी की है। वहीं सैलरी पद के लिए चयनित उम्मीदवार का वेतनमान 21,780 से 69,100 रुपए प्रतिमाह के बीच निर्धारित किया जाएगा। बिहार में 92% मरीज में नहीं पाए गए हैं कोई लक्षण। बिहार में कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे कहर के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। हर दिन बड़ी संख्या में कोविड 19 संक्रमितों की पहचान तो की जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 92% बिना लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को शारीरिक रूप से कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इनकी हालात भी अब सामान्य बनी हुई है, यानी कि नॉर्मल फ्लू वाले लक्षण इन मरीजों में पाए गए हैं। ऐसे में इन मरीजों को सावधान रहने की नसीहत दी गई है, क्योंकि कोविड 19 के लक्षण 3 से 7 दिन के अंदर उभर कर सामने आ सकते हैं। एनएमसीएच पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि बीते दिन कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव का जायजा लेने के लिए एनएमसीएच पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। साथ ही कोविड 19 से निपटने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने कहा कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में कोविड 19 कंट्रोल रूम खोला गया है। साथ ही इस अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी, ताकि मरीज परिजन और डॉक्टर की स्थिति की समीक्षा का जायजा लिया जा सके। कोविड 19 के इस माहौल में तेजस्वी यादव ने सरकार से फिर पूछे सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवालों के घेरे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खड़ा किया है, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सूबे के निवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज भी बिहार में आवश्यकता से बहुत कम कोरोना जांच किए जा रहे हैं। जब तक बड़ी संख्या में जांच नहीं होगी, संक्रमण की असली स्थिति नहीं पता चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिदिन 30,000 टेस्ट होंगे तो रोजाना कम से कम 5,000 मामले सामने आएंगे। जो टेस्ट करवा रहे हैं उनकी जांच आने में 20 से 30 दिन लग रहे हैं। ऐसे में पॉजिटिव लोग अन्य लोगों को संक्रमित कर रहे हैं या जान गंवा दे रहे हैं। बिहार के 3 आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार के 3 आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह को श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसके साथ ही निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण और बिहार कौशल विकास मिशन का अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का जिम्मा भी दिया गया है। वहीं निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजीव कुमार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से फिर ली जाएगी राय। बिहार में स्कूल को दोबारा से खोलने पर अभिभावकों से राय लेने पर सोच विचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभिभावकों से इस दौरान पूछा जाएगा कि कोविड 19 के माहौल में कब से अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित मानते हैं। अभिभावकों के सामने 3 विकल्प भी रखे जाएंगे, जिसके तहत अगस्त, सितम्बर या अक्टूबर में से किसी महीने में अभिभावकों को स्कूल खोलने पर सहमति जतानी होगी। आपको बता दें, अभिभावकों के साथ करवाए जाने वाले विचार विमर्श को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देश पर करवाया जा रहा है, ताकि कोविड 19 के माहौल में शिक्षा को सुचारू रूप से दोबारा से शुरू करवाया जा सके। मंगलवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने बिहार के स्कूली छात्रों के अभिभावकों की राय से केंद्र सरकार को अवगत कराने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों का मत यह है कि स्कूल तभी खोले जाए जब वो बच्चों के लिए सुरक्षित हो। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने बीती रात दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के जाने पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संवेदना में कहा कि सुनील कुमार सिंह जी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। सामाजिक कार्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की बदौलत समाज के सभी वर्गों का आदर और सम्मान प्राप्त किया था। उनका इस तरीके से जाना ज्यादा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय है। आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की गई जान। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बीते दिन 10 लोगों की जान चली गई है। वहीं 9 ऐसे लोग हैं जो आकाशीय बिजली की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बांका में 4, नालंदा में 3, जमुई में 2, नवादा में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। इसके अलावा नालंदा जिले के 3 लोग प्रभावित पाए गए हैं। इसकी जानकारी आपदा विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वालों के लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है।
फाल्गु नदी के बालू से करवाया जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण। अगले महीने भूमि पूजन होने के बाद अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के निर्माण के लिए गया के फाल्गु नदी के बालू का प्रयोग किए जाने की बात कही गई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और अपनी खुशी जाहिर की है। प्रेम कुमार ने बताया है कि करोड़ों लोगों के लिए एक बहुप्रशिक्षित सपने के साकार होने जैसा है। ऐसे में गया में स्थित फाल्गु नदी के बालू का उपयोग होना गया वासियों के लिए गर्व और आनंद की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जा सकेगा दर्ज। चुनाव आयोग ने बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा प्रदान कर दी है, जिसके तहत नामांकन प्रक्रिया के दौरान कार्यालय में जमा होने वाली भीड़ अब नहीं दिखाई देगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरकर नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने के लिए जमा शुल्क जमा करवाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। सामान्य सीटों पर उम्मीदवारी पेश करने वाले उम्मीदवार को ₹10,000 जमा करने होंगे, जबकि आरक्षित सीट के लिए SC/ST उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए ₹5,000 का भुगतान करना होगा। पथ निर्माण के लिए 4 जिलों में 66.70 करोड़ की योजना को मिली स्वीकृति। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि विभागीय निवेदन समिति की तरफ से राज्य के 4 जिले की 4 योजनाओं के लिए 66.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृति योजनाओं को 6 से 18 महीने के अंदर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिन जिलों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें बक्सर, शेखपुरा, दरभंगा और वैशाली का नाम शामिल है। लॉकडाउन के दौरान सभी जिला परिवहन कार्यालय में निपटाए जाएंगे लंबित मामले। लॉकडाउन के दौरान सभी जिला कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लंबित मामलों को निपटाए जाने का फैसला सुनाया गया है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए हैं उन जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं MVI पर सख्ती दिखाई जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। परिवहन सचिव ने बताया कि सभी जिलों में लंबित मामलों को लॉकडाउन अवधि के दौरान निपटाने का आदेश दिया गया है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी और सुशील कुमार मोदी आए आमने सामने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ने बीते दिन अपने ट्विटर के माध्यम से बिहार में बेकाबू बढ़ रहे कोविड-19 के मामले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में कोविड-19 की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस लोग पड़े हुए हैं। बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड-19 संक्रमण से 18,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, मगर कांग्रेस शासित राज्यों में जान गंवाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। कोविड-19 के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश राहुल गांधी अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों के आंकड़े देखे बगैर बिहार के सुशासन पर टिप्पणी कर रहे हैं। विद्या बालन ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के एक महीने से ज्यादा समय गुजरने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि इसे स्वीकार कर लेने में हर्ज नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेले डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसे किसी की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से अंदरूनी बनाम बाहरी और भाई भतीजावाद को लेकर बहस काफी ज्यादा बढ़ गई है। किसी को नहीं मालूम कि सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उम्मीद भी नहीं है कि किसी को इसके बारे में कुछ पता चल पाएगा। बस कह सकते हैं कि अब बस उन्हें आराम करने दे। अनुभवी ऑलराउंडर सुरेश रैना को लेकर ऋषभ पंत ने की टिप्पणी। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आजकल अनुभवी ऑलराउंडर सुरेश रैना के साथ ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पंत ने बताया कि रैना ने पिछले कुछ सप्ताह में उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। कोविड-19 के कारण BCCI ने अभी ट्रेनिंग का काम पूरी तरीके से रोक रखा है, लेकिन कई क्रिकेटर जिसमें मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, पंत और रैना ने अनुमति के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी है। CSK के आधिकारिक हैंडल पर पूछे गए सवाल पर भारतीय विकेटकीपर ने बताया कि उनके लिए प्रशिक्षण सत्र बहुत अच्छा चल रहा है, हर दिन सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं और समय का उपयोग कर रहा हूं। गूगल कॉन्टैक्ट्स में जोड़ा जाएगा नया फीचर। गूगल कॉन्टैक्ट्स में अब नया फीचर एड ऑन कर दिया जाएगा, जिससे कि अब डिलीट हुआ कॉन्टैक्ट भी वापस मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गूगल अपने कॉन्टैक्ट ऐप में एक नया फीचर शामिल करने जा रहा है। इस फीचर को ट्रैश का नाम दिया गया है। यह कंप्यूटर के रिसाइकल बिन की तरह काम करेगा, यानी कि 30 दिनों के अंदर उस कॉन्टैक्ट को वापस रिकवर किया जा सकता है। फिलहाल इस फीचर को सिर्फ गूगल कॉन्टैक्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कॉन्टैक्ट कहाँ से डिलीट किए गए हैं। N95 मास्क कोविड-19 को रोकने में नहीं है कारगर। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच N95 वॉल्व वाले मास्क के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। हालांकि अब इस मास्क को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत N95 मास्क को सरकार ने कोविड-19 के इस माहौल में विफल बताया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से मास्क को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इस एडवाइजरी में N95 मास्क को कोरोना के लिए हानिकारक बताया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राम पुकार दास, पंकज कुमार सिंह, बबीता यादव, सपना कुमारी, विजय स्टडी जोन, रोशन कुमार, विनीत कुमार, जयपुर बिहारी ऑफिस, दिनेश कुमार, कुमारी संजना, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों की सुविधा कितनी दुरुस्त हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।